शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बिग बॉस चला जाऊंगा सलमान भाई के पास। मैं वही कर रहा हूं जो मैं कर रहा था कराची में या दुबई में। मौत आसान हुई है मुश्किल। छोड़ने सब चेकिंग वेकिंग। टारगेट को बिल्कुल शक नहीं हुआ है। कैसे पता उसकी आवाज है? बॉम्बे से वॉइस सैंपल्स आए थे। बैठ के टेप कर रहे होंगे ये। बॉम्बे पुलिस ने इसे कंफर्म भी किया। ये मस्जिद क्या घेरी मेरे पीछे पड़ गए हैं। तो वहीं से नहीं निकला तो तिहाड़ जेल में सड़ूंगा। अब क्यों गुस्सा हो रही है? तू कौन सा साल भर फिल्म का शूटिंग करती है? हर दो महीने बाद आ जाना। पता कैसे चला उसे एक्सटेंडेशन के बारे में? इस रूम के अलावा ये इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं थी। तन्हा वही वही अश्विनी उसे अगली बार जरूर पकड़ लेंगे। आई होप सो सर, आई होप सो। बड़े आराम से वो एक देश से दूसरे देश घूम रहा है। दुनिया को पता है वो कराची में रहता है। ये चेहरा है इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी का। पाकिस्तान उसका ससुराल है, उसे प्रोटेक्ट कर। जनाब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। बार बार वो पाकिस्तान से हम पर वार कर। होल ऑपरेशन वाज क्लियरली फंडेड बाय इकबाल को इंडिया के हवाले कर। फिर आगे ओसामा की हत्या के बाद अब वो इंटरपोल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ चुका है। This recent attack was clearly planned to kill. We want Iqbal back. हमें इकबाल चाहिए, कोई भी किसी इकबाल को पकड़ना सीखे। This is not about politics anymore. It's about justice. रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पे मेरा नाम सुरेन है और साथ में मीरा। एंड सबको पता है कल रात जो हैदराबाद बॉम्ब ब्लास्ट में जिसमें 17 मरे और 119 घायल हुए उसने पूरे देश के यूथ को टोटली शॉक करके रख दिया है। एवरीबॉडी स्टिल कमिंग टू टर्म्स विद दिस एंड शहर के हर कोने से हमें इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं। अब ना हमें मान लेना चाहिए हम नपुंसक हैं। कुणाल देख यार, आई थिंक यू आर गेटिंग अ लिटिल टू इमोशनल अबाउट दिस। मुझे लगता है ना कि हमें कराची के साथ रिलेशंस ही तोड़ देने चाहिए। और मेरे बच्चे तो कह रहे थे कि वो अपने बेटे की शादी करवा रहा है। रमा जी आपने बिल्कुल ठीक बोला है। फेसबुक ट्विटर और सारी न्यूज चैनल्स पे शादी के इनविटेशन कार्ड्स जो हैं उनकी तस्वीरें ऑलरेडी आ चुकी हैं। मेरा सवाल सिर्फ एक है, अगर अमेरिका कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? चलिए आई थिंक ये बात तो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस। जब से यूएस ने ओसामा को वहां जाके मारा है इनको लगता है पाकिस्तान नहीं कोई म्युनिसिपैलिटी का गार्डन है। बस अंदर जाओ और फूल तोड़ के लेके आओ। क्या इतना आसान है उसे लाना? अगर हुआ तो, अगर हम सचमुच उसे ले आ सके तो। आईएनएस रणविजय कहाँ है इस वक्त? वहीं जहां हमेशा से होती है, कराची कोस्ट से 60 किलोमीटर दूर। एक मैसेज भेजो उन्हें, बोलो बारात निकल चुकी है। साहिबान मेहरबान कदरदान, मेहमान और मेजबान, पेशे खिदमत है बिलाल भाई पेशावर वाले। हिट इट डूड। खाना खाया? सब ने खाना खाया। हाँ बोलो सर, जनरल साहब आ गए। वो यहां नहीं आ सकते, कुछ भी हो सकता है। ओए फोन कैसे लेके आए तो अंदर? फोन कैसे लेके आए? चल भाग, इधर भाग। ओए सिक्योरिटी कैसे अंदर आ लीजिए इसको। हो लाल मेरी पत रखियो बल्ला झूले लालन
सर रुकिए, यहाँ आना अलाउ नहीं है सर, प्लीज। तो तुम लगाओगे हमारी एंट्री पे पाबंदी? जानते कौन हूँ मैं? फैजल ख्वाजा मामू है मेरे। कौन फैजल ख्वाजा? ले पूछ रहा कौन फैजल, तू ले पकड़ में। हे रफीक, क्या कर रहे हैं आप? मुलाजिम लोगे, वहां से चलिए ना। है? अरे चलिए बस, नहीं चले क्या? पोस्ट 15, सर P1 पहुंच गए हैं। दुपट्टा उबर कर, दुपट्टा उबर कर।
दो मर्द देखे नहीं कंजरी हो जाती है। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? तेरे तो घास रूट में प्रॉब्लम है। बकवास मत करिए। तू क्या समझती है मेरे को दिखता नहीं है? मैं नॉट ब्लाइंड। रफीक और अब क्या टकरी है? अब तो आधी दुनिया में पोस्टर बन चुकी है। तू हटा इसका। हेलो, जोर से बोलो। अरी शोर अबू, अभी फोन करती हूँ। परेशान हो गई हूँ मैं, परेशान हो गई। तो बैठ जाओ। रुको, लाहौर से आई हैं। लाहौर से सर, बड़ा मसला है, बात कीजिए। दुआएं अपनों के लिए की जाती हैं, लेकिन हम जैसों का कोई अपना नहीं होता। हमें चुना ही इसलिए जाता है। 9 साल पहले कोई नहीं था जिसे मेरे होने की खुशी या मेरे ना होने का गम हो, लेकिन 9 साल बहुत लंबा अरसा होता है। बस पल भर में नजर हमसे उधर। एक वक्त था कभी हम ही हम हुआ करते थे। ये बात हम भी तो कह सकते हैं तुम्हारे बारे में। तुम कौन सा ताकती रहती हो? अच्छा, जैसे पहले ताकती थी दिन भर मुझे। आओ तुम्हारा वक्त बदल दे। बदमाशी ना करे, छोड़िए। अच्छा, याद आप दिला और बदमाश हम। अच्छा छोड़िए, छोड़िए, हटिए आप। ओ बिबा, आप सो जाओ, आप सो जाओ। बिबा स्कूल के लिए बहुत वक्त है। कोई बात नहीं है, चलो जल्दी उठो, देर हो जाएगी। स्कूल मम्मी, बुखार है। कोई बुखार नहीं है, रोज के बहाने हैं। नुना, इसका बदन गर्म है, बहुत गर्म है। रात को दो तो रजाई ओढ़ के सोएंगे तो बदन गर्म रहेगा ही।
अबे रजाई क्यों डालता है? आप शेना दे ऐसे। टीचर बड़ी कर रही है। अब पेंसिल भी नहीं है उसके पास, कैसे जाएगा स्कूल वो? मत जा बेटा मत जा। कल लाए थे ना पेंसिल, ये रहे। बेटा परफ्यूम वाली। अम्मी परफ्यूम वाले। वो खुशबू वाली नहीं, चलो यही ठीक है। अम्मी खुशबू वाली। अगली बार बस्ता घुमा दियो बेटा। छह साल से इन खूबसूरत लम्हों को मैं रोज सपना समझ के जी रहा था, जानते हुए कि किसी भी वक्त आंख खुल सकती है और सब कुछ बिखर जाएगा। किसी भी वक्त नफीसा और कबीर, जो मेरा सबसे बड़ा सच थे, सबसे बड़ा झूठ साबित हो जाएंगे। मुझे भी आपके स्कूल जाना है। मेरे स्कूल जाना है, ये क्या मसला है? आपके स्कूल जाऊंगा तो फिर ही तो अपने बाल काटने की दुकान खोलूंगा ना। बड़े होके तुम बाल थोड़ी काटोगे बेटा, तुम लोगों के कान काटोगे। सचिन की तो अकेले ही 100 सेंचुरियां हैं, और वहां देखो इन सबसे मिलके भी 100 नहीं बनेंगे। अरे खुरम भाई दोनों आए नहीं, आखिर तक टिके रहेंगे इंशाल्लाह। अरे इनकी औकात नहीं है टिकने की, 12th मैन ना रखूं इनमें से किसी को भी। और हवाम है कि इनके पीछे पागल है, जैसे मुल्क को यही चला रहे हैं। हमारी कुर्बानियों की तो कोई कदर ही नहीं है। इनकी तरह पाकिस्तान की टी शर्ट नसीब नहीं है ना हमें। लो फिर शुरू हो गए। खुर्रम कोई मौका नहीं छोड़ता था ये जताने का कि वो ऐसा ऐसे है। कई साल गुजर गए इस उम्मीद में कि खुर्रम से कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके और मैं वापस रिपोर्ट कर सकूं, लेकिन अब वो सब उम्मीदें बदल चुकी थी। अब तो सिर्फ इंतजार था कि अश्विनी सर मुझे इस रोज रोज के झूठ से और इस पोस्टिंग से आजाद कर दें बस। ड्राइवर को रोक के रखना अश्विनी, लोग रिटायर होते हैं। जानता हूँ, उनकी नौकरी छोड़ रहा हूँ ताकि तुम्हारी चाकरी कर सकूं। अब बस भी कर रहा हूं। रामाश्रय, मिसेस चतुर्वेदी, पुराने एजेंट्स जिन्हें वापस बुला रहे हैं उस लिस्ट में और एक नाम ऐड कर देना। अल्लाह अकबर। السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? दिनों बाद मुलाकात हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप बताएं अम्मी जान कैसी हैं? बस ठीक है। अच्छा मेरा सलाम कहिएगा उनसे। ऐसे क्या आंखें फाड़ रहे हो? तो पहले क्या करना पहले कई बड़े लोग आते हैं यहाँ। कौन है? भाई और भी नाम है इनके, इकबाल सेठ, सुल्तान शाह, गोल्ड मैन, यूएसए में नंबर 2, इंडिया में नंबर 1 Wanted. सालों से आते हैं यहाँ, सबको पता है कराची में है, लेकिन आंखें खुली है तो क्या, मुंह तो बंद रखना पड़ता है ना भाई सबको। आप इन्हीं क्या काम करते हो क्या? हाँ ड्यूटी भी वही है। अरे मेरे पेशाने पे इतनी बड़ी मोहर लगी है ऐसा है कि तुम ही नहीं पढ़ पाया आज तक। जिंदगी हराम कर रखी है। अपने बेटे का निकाह करवा रहे हैं, बेतुजा होटल में आधे से ज्यादा कमरे बुक करवाए हैं, बड़ी अय्याशी होगी वहां पे। अरे वो सालंडी लेके जाओ यहां से। साहबजादा का निकाह है अगले मेरी 12 तारीख कर दे। जरा दुआ कीजिएगा उसके लिए। सिर्फ इंसान गलत नहीं होते, वक्त भी गलत हो सकता है। मैं चाहता तो अपने आने वाले कल के लिए, नफीसा और कबीर के लिए, इस आदमी को देखा अनदेखा कर सकता था। लेकिन मैं नहीं कर सका। छह एक्टिव एजेंट्स हैं हमारे पाकिस्तान में और 2 जिन्हें हम कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनमें से किसी ने नहीं बताया हमें, तो ये इंफॉर्मेशन मिली कहां से आपको?
क्या नाम बताया था अश्विनी अपने फील्ड एजेंट का? सर ने बताया नहीं, उनका कोई खास आदमी है, फाइल भी उन्हीं के पास है। बट वेल विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अश्विनी सर, ये जो सर के अननोन एजेंट हैं, ये कल को अगर डबल एजेंट हो गए तो सर वो मैडम बुला रही हैं। अश्विनी अश्विनी पाकिस्तानी सॉल पे किसी भी कोवर्ट ऑपरेशन में इंडिया हिस्सा नहीं ले सकती। यस सर। हम ये नहीं कर सकते, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भी नहीं कर सकते। अरे अभी तो तुमने कहा कि सारे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट दिया, हम लंदन जा रहे हैं, सारा इंतजाम हो गया है। तो कहां कह रहे हो कि जाना ही नहीं है, अकेली नहीं जाऊंगी बस, कभी बैठी हो हवाई जहाज में? अरे तुम कौन सा उस हवाई जहाज में बैठ के उसको चलाने वाली हो बेवकूफ? मैं तुमको उस प्लेन के अंदर बिठा दूंगा, उसके बाद तुम्हारे भाईजान से बात हो गई, वहां तुम्हें लेने आ जाएंगे, कबीर भी तो है तुम्हारे साथ, फिर कुछ दिनों बाद मैं यहाँ सब भेज बाज के आ जाऊंगा। कुछ दिनों की तो बात है, तुम साथ में क्यों नहीं जा सकते? कह रहे हैं ना कि अब रुकना होगा, तुम्हारे तो टिकट भी हो गए हैं, अब सारे टिकट कैंसिल करेंगे तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, सोचो। टिकट कैंसिल करूं? थोड़े दिन की तो बात है, फिर वहां जाएंगे ना, वहां बदमाशी करने, विलायती बदमाशी। हाँ देखो इधर सेक्सी। बातों से ना बहराए, हम नहीं जाएंगे। समझा करो, कोई आ रहा है दूर से। अपनों को दूर करके गैरों को करीब बुलाना हमारे काम का हिस्सा था, लेकिन शायद मुझसे ये आदत छूट चुकी थी। कौन थी ज़ोया रहमान? मेरी तरह इसकी भी कई सच्चाइयां थी। I work for the Bradford City Council. साल में कई बार आती है, आप अकेले होटल में ठहरती है, शोहर नाराज नहीं होते? मोइन, एनिवर्सरी बाद में भी तो सेलिब्रेट कर सकते हैं, ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जाना पड़ेगा। पूरे यूके में तुम ही एक इमिग्रेशन लॉयर हो क्या? एक्चुअली जाना तो तुम भी चाहती हो। तो क्या गलत है मोइन? गलत यह कि तुमने पहले नहीं बताया कि तुम्हारा काम हमारी शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज मोइन, यू नो दैट्स नॉट ट्रू। प्लीज सोया, प्लीज, तुम जानती हो ये सच है और अब मैं भी जानता हूँ। बाय नहीं बोलोगे? वही तो कह रहा हूँ, गुड बाय। क्या? देखिए मैंने पहले ही कहलवाया था, मुझे रूम 1222 ही चाहिए। बिलीव मी मैडम, 1222 एंड 1224 आर द सेम और व्यू भी सेम है। आई डोंट केयर अबाउट द व्यू। जश्न टॉप फ्लोर पे था, जिसके ईस्ट कोने में सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त था। ओटा से 2 किलोमीटर तक रोड के ऊपर मुझे अपने लोग चाहिए। अजीज जी जना, मैं नहीं चाहता कैसे, मुझे इस होटल के हर कमरे का हर मिनट का फुटेज अपने इन मॉनिटर्स पे चाहिए। जी जना। और सिक्योरिटी रूम के बिल्कुल नीचे 12वीं मंजिल पर कमरा नंबर 1222 में जोया को ठहरना था। माफ कीजिए मैडम, पर मिस्टर भट्टी जो हमारे रेगुलर है एन वर्क पे आ गए, 2 दिन रुक जाइए, हम आपको शिफ्ट करा दें। किसे शिफ्ट कराने की बात कर रहे हो मियां? अरे भट्टी साहब, आपके कुछ मैसेजेस हैं।
ही डोंट वरी, मैं जो हूं ना, जब चाहे तुम रूम शिफ्ट कर लो। हाँ अगले 24 घंटों में मेरे देखे बगैर कोई मूव भी नहीं सकेगा, समझे? जी जनाब। और वो नीचे का फ्लोर खाली करा। अगर इस फ्लोर को खाली नहीं कर सकते तो हर 5 फुट पे अपने आदमी लगाने पड़ेंगे। आई कांट टेक चांसेस। और जितने भी रूम खुले हैं सबको लॉक करवाइए। हर गेस्ट की आइडेंटिटी चेक करिए, कोई भी ऐसे नहीं आना चाहिए। जोया रहमान, शहरयार भट्टी, कमरा नंबर 1224, 1222। कागज पर प्लान जितने साफ थे धीरे धीरे असलियत में उतने ही धुंधले होते जा रहे थे। सवाल ऐसे उठ रहे थे जिनके जवाब पहले सोचे नहीं थे। अब डर ये था कि शुरू होने से पहले ही सब कुछ बिखर न जाए। Excuse me, get side, please, please. लिफ्टन, पहले सेट के कर। असलम को अपने 3 मर्डर केसेस से आजादी चाहिए थी। अश्विनी सर ने आजादी की कीमत मांगी। उसे जेल में डाला गया गोलमैन के टट्टू पप्पू सामन का भरोसा जीतने के लिए। अरे सर जी, माचिस लाइटर है। सर जी, कुछ ज्यादा भरोसा तो नहीं जीत गया मैं? विकी ठाकुर को मारने की सुपारी दी है पप्पू ने, उसके बाद पड़ोसी के पास भेजेंगे। उड़ा दो। पप्पू सामन ने अपना वादा पूरा किया और असलम को कराची भेज दिया गया गोल्डन के पास। इस मिशन के बाद जिंदा रहा तो पता चलेगा कि कीमत सही थी या गलत। सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। भाई पूल पे हैं क्या? हाँ सनी, हमसे मिलके जाइएगा बाद में। जी भाभी। गिर सारे गिर, एड़ी पे छोड़ दे, एड़ी पे। काय सरीम बोल। भाई होटल से आ रहा हूँ, सगड़ी तैयारी जाली, डिटेल्स नंतर दे तो। और वो जनरल रजा वेट कर रहे हैं आपका। डोंट ड्रॉप द गन। अस्सलाम वालेकुम जनरल भाई। वालेकुम सलाम। वाह, हुकूमत गुलाम के हर। इकबाल, तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया? हाँ भाई, लंदन में पार्क लेन में आपका अपार्टमेंट खरीदा गया है। सलीम साहब ने पेपर दे ले नहीं? जी बात बदलने की कोशिश ना करें, आप निकाह में नहीं जा सकते। देखिए, आपने कहा कि बेटी की शादी में नहीं जाना, नहीं गया। उसी होटल में था, बंद कमरे में टेलीविजन सब देखा, लेकिन इस बार नहीं। मेहंदी, निकाह, वलीमा सब कराची में है। वो फोटोग्राफी वगैरह, क्या वीडियो, वो सब हम नहीं अलाउ कर रहे। भांजा सब आपको डिटेल्स दे देगा इसके बारे में। लेकिन बेटे की निकाह में आप कह रहे हैं, ऐसे कैसे? नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, आप इजाजत दें प्लीज, अजहर साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं। इकबाल, इस्लामाबाद को जवाब दे। अरे भाई, कहीं देर हो गई तो धमाका यहां ना कर दें। तुम समझो। अरे कुद्दूस सलीम, जनरल भाई को ठंडा पिलाओ। तुम अच्छी तरह जानते हो ये निकाह में नहीं जा सकता। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, माऊ नहीं माने, क्या करें अभी? चुप, टेल हिम टू शट अप। हैदराबाद। जी जनाब। नहीं अजहर साहब, दिल नहीं मानता। वैसे भी नाम खराब है, दुनिया मुझे टेररिस्ट समझती है। अरे जनाब, ये तो मेरा बिजनेस है, मैं तिजारत करता हूं, वरना मैं भी इंसान हूं, ज़कात करता हूं, औरों की मदद करता हूं। उसी मदद के लिए तो आए हैं जनाब। जब आप कुछ करते हैं तो हमारे लोगों की तरफ पड़ता हुआ खतरा बहुत कम हो जाता है। हैदराबाद में एक एक्शन बहुत जरूरी है भाई। कितने लोग? कंट्रोल रहेगा, 8 या 10। धंधा खराब हो जाता है बहुत दिनों तक। मैं जुबान देता हूँ, हद से हद 15 लोग। इकबाल, तुम अब भी यही हो जनरल, मेरी ना हाँ में नहीं बदलने। आप बात नहीं समझ रहे इकबाल। तुम नहीं समझ रहे, डरा के दुकान खड़ी की है जनरल भाई। डर जाऊंगा तो बंद हो जाएगी। ऑर्डर साफ थे, मिशन होने तक टारगेट से दूर रहो, शक मत होने दो। लेकिन इस आदमी को ऑर्डर्स फॉलो करने में हमेशा परेशानी रही थी।
टीम का चौथा पहिया रुद्र प्रताप सिंह, जो एक सवाल की तरह था जिसका कोई जवाब नहीं था। सस्पेंडेड आर्मी ऑफिसर, किलर, मर्सिनरी, किसी को नहीं पता था वो कौन था, कहां से आया था। किसी की नहीं सुनता, कभी अपनी नहीं सुनाता। हर मिशन की तरह इस मिशन में भी छुपने के लिए सबसे सेफ जगह थी कराची का जिस्म फरोशी का बाजार, जहां ना नाम पूछा जाता है ना कोई सवाल, सिर्फ दाम बताया जाता है। अंधेरे में इतना सीधा चलते हो, या तो चोर हो या सिपाही। सीधा काम पे लगो या बातें करो। जितने कम सवाल पूछोगी उतना अच्छा। कम इन सर, वो विक्की ठाकुर मर्डर में मेरे पास एक अजीब टिप हाथ लगी है। डिपार्टमेंट में रूमर है कि किलर की एजेंसी से डील हुई है, सुना है उसे कराची भेजा गया है। कहीं ये आपके ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा तो नहीं है? कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट, जो तुमने बंद करवा दिया? आपने पूरी तरह तो बंद नहीं किया, इतना तो मैं भी जानता हूं आपको मिश्रा। जानने में और समझने में बहुत फर्क है। बोलो, क्या हाल है गोश, हमारे पड़ोसियों का? तुम कब हालचाल जानने के लिए फोन करते हो? कल्चरल अटैचे मैं हूँ और खबर तुम्हें पहले मिल जाती है। सुना है हमारे फेवरेट दामाद अपने बेटे की शादी करवा रहे हैं। हाँ, सुना तो हमने भी है। तो अच्छे पड़ोसियों की तरह बेस्ट विशेष देने ही पड़ेंगे। हमारी तरफ से डॉन में ऐड दे दो। सात दिन है, सात सिम कार्ड है, रोज एक यूज करना और उसके बाद डिस्ट्रॉय कर देना। डेटोनेटर्स, टाइमर्स चाहिए होंगे, सिमटेक्स भी चाहिए होगा, कोई भी ग्रेट चलेगा। होटल में कुत्ते भी हैं, स्निफर डॉग्स। तुमको एम्बुलेंस का इंतजाम करना है? हो जाएगा भाई, इजी है। आर्म्स में जाके वेपन सिलेक्शन के लिए साथ आऊंगा। नेपियर रोड की कोठों की बारी कराची अलग है भाई, पहचान ली जाओगे। एसेट होता हमारा काम है इन्फॉर्मेशन। GIC से रिक्रूट हुए और यहाँ आने से पहले सिर्फ कार्डबोर्ड कटआउट पे गोली चलाई है। तुम काम कर रहे हैं अपना, तुम्हारी तरह आर्मी से सस्पेंड नहीं हुए। तुम टीम का एक हिस्सा हो बस, समझे? टीम स्पोर्ट मुझे वैसे ही पसंद है, हॉकी फुटबॉल कभी खेला नहीं, क्योंकि जितने लोग उतनी कमजोरी। अरे तो आप ही कर लेना ऑपरेशन, फिर हमारी जरूरत क्या है? वो तो बाजार में घूम रहा है, उसको जाके पकड़ लें। एक बात जहन में बिठा लेना, ये अब तुम्हारा अपना मुल्क नहीं है। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई उस तरह अच्छा चलाते हो ये तो हमें पता था, इस मामले में भी अच्छे हो ये पता नहीं था। डरो मत यार, वो मर्द ही क्या जिसका कोई खूबसूरत राज, सबके होते हैं। अरे हमारे भी कई हैं। नहीं यार, हाँ हाँ सुन, खुर्रम बताना नहीं यार किसी को। नहीं नहीं तू जा यार, यार मेरा काम खराब हो जाएगा। मैं आता हूँ।
कौन था वो? मुझे तुमको बताने की जरूरत नहीं है। अरे देखो, मैं सब जानता हूं तुम्हारे बारे में, कौन से रास्ते से स्कूल ले जाते अपने बेटे को, कौन से दुकान से इत्र खरीदते अपनी बीवी के लिए। कस्टमर मेरा आईएस है कार्ड में, लेफ्टिनेंट कर्नल, समझो? और पड़ोसी है मेरा, आइंदा फिर मुझे बच्चों का नाम मत लेना, बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए कहता हूँ, जितने सारे लोग उतनी कमजोरियाँ। क्यों नहीं? रुद्र शायद सही था, जितने लोग उतनी कमजोरियां, पर उस वक्त शायद उसे यह पता नहीं था कि गलतियां भी रिश्तों की तरह होती हैं, करनी नहीं पड़ती, हो जाती हैं। दोबारा यहां कैसे? इश्क तो नहीं हो सकता। नहीं, सुना है कि तुम ज्यादा सवाल नहीं करती, और वैसे भी यहां कोई नहीं आता। सीधा काम पे लगूं या बातें करूं? माफ करना, लेकिन ये सवाल जरूरी है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता इसकी? क्या कहानी है? गुड मॉर्निंग मैम। ये रहा आपका कमरा, नया नया पेंट किया। बेड नंबर टू आपका। बेड नंबर तीन भी साथ जोड़ दीजिए। क्या है ना कि रात को हमारे हाथ पैर बहुत चलते हैं। टारगेट की गाड़ी P1 से आएगी, हम P3 से आएंगे, जो भी होगा P3 पे होगा। तो बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? आपके लिए P1 और मैं यहाँ से। ये कमरा RDX और सिमटेक से उड़ेगा, जितना प्योर मिलेगा उतना अच्छा है। ये पूरा फ्लोर वाली सिमटेक्स होटल में ले जाने के लिए मुझे कुछ बड़े गमले भी चाहिए होंगे। तुम होगी ना वहां पर, तुम्हें बता देना। नहीं होगा, एक तो अकेले लंदन भेज रहे।
परफ्यूम वाली? ओ रमेश, परफ्यूम वाली पेंसिल अब्बू लाए हैं मेरे लिए। एक बार जरा हमें भी अंग्रेजी में सुना दे, कौन सा रोड कौन सी बरी। क्या वहां भी इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं? कहां? जहां के हो। कचरा रे कचरा रे तेरे प्यारे प्यारे नैना। कारे कारे एक घड़ी और ठहर के जा, बाकी है एक घड़ी और ठहर के जा, बाकी है तेरे लब पे मेरे होने का निशा, बाकी है एक घड़ी और ठहर के जा, बाकी ढलते ख्वाबों में अभी अपना जहां बाकी है एक घड़ी और ठहर के जा, बाकी है तेरे लब पे। आदाब, जोश रेडियो पर आप सुन रहे हैं गजलों का दिलकश कार्यक्रम सवाल नहीं करूंगी, तुमसे झूठ अच्छा नहीं लगेगा। सच? तुम लोगों को जगाती हो, मैं लोगों को सुलाता हूं। जितना कम जानोगी उतना ही अच्छा है, ज्यादा जानोगी तो मेरी मुश्किल बढ़ेगी और तुम्हारी तकलीफ। नहीं होगी तकलीफ, वैसे भी मर्दों के बिना बताए जाने की आदत है हमें। उनमें और मुझमें फर्क है। वो तो देखते ही नजर आ गया, ना तो तुमने कोई हमदर्दी दिखाई ना कोई सपना। जो नहीं हो सकता उसकी उम्मीद नहीं दी, लेकिन जिसकी उम्मीद भी नहीं थी वो दे दिया। हाँ
और क्या चाहिए तुम्हें? जिसने ये किया उसे मौत आसान हुई या मुश्किल? कुछ भी हो जाए ये जंग हम जीते, ये जंग हम जीते। सिम्टेक्स आ रहा है गर्मा गर्म सीधा भट्टी से, माल पकड़ना जिसका काम है ना वही उसे बेचने आ रहा है। पिछली बार की तरह मुंह मत खोलना, बात मैं करूंगा। अरे आओ कुरम भाई आओ। तो कभी कभार चलाना भी सीख लो। खुर्रम ही है सर, बोरा बाजार में दो और लाशें मिली, वसीम अली और उसकी बीवी की। पहले भी इन दोनों गैंग्स के बीच में ऐसी वारदात हो चुकी है। एंट्री वुंड्स को जरा आप गौर से देखें। प्रोफेशनल किलिंग है सर। कराची में आपका मिशन एक्टिवेट तो नहीं हुआ है? मिनिस्ट्री में पूछ रहे हैं सर।
डोंट वरी मिश्रा, जवाब मैं ही दे दूंगा। अभी रिटायर नहीं हुआ। वन मोर थिंग, कोई भी मिशन मेरा या तुम्हारा नहीं, देश का होता है। नहीं सर, ऑपरेशन कॉल ऑफ मत करिए सर। नहीं, मेरा यकीन कीजिए सर, टारगेट को बिल्कुल शक नहीं हुआ है। खुर्रम मिर्जा, आपकी निगरानी करते हुए मारा गया, जरूर कुछ हो रहा है, आई एम श्योर अबाउट इट। कल तुम्हारी फैमिली लंदन जा रही है। आउट, आउट। कल तुम्हारी फैमिली लंदन जा रही है, तुम साथ जाओ। खुर्रम की मौत का बिल मेरे सर मत फाड़ो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे अलावा किस किस के साथ काम करता था वो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं इकबाल। आप कल की बात कर रहे हैं, आप हुक्म देंगे तो हम तो आज चले जाएंगे, लेकिन ये हमारे पास आखिरी मौका, इसके बाद हमको मौका नहीं मिलेगा। हमको ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए सर। जनरल, बात समझो। बाईपास दो, बेटा एक, नकाब में जाना तो जरूरी है। चेस, हम कौन सा मेडल के लिए कर रहे हैं सर? हम तो उसको वापस ले भी आए तो वहां क्या होगा, हम गुमनाम ही रहेंगे। और नहीं ला सके तो यहां मौत की दुआ मांगते रहेंगे, मौत नहीं मिलेगी सर। मैं आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूं सर। ओ सावाते सुहा रंग सब के नसीब दा, सावाते सुहा रंग नसीब दा, खेले सुखवाक मिचोली हो, सुख दुख आंख मिचोली। जी मैं को जा मैं को, मेरे सारे जहां में तो। जी मैं को जा मैं को, मेरे सारे जहां में तो। सब के नसीब दा, खेले दुख सुख आँख में चोरी, मेरा मुर्शिद खेले होरी। भले भाई, अब तो तुम लंदन वाले हो जाओगे, मुबारक हो। कबीर बेटा बोलो, हम भी बोल चले जा रहे हैं। है उसका न्यारा, मेरा मुर्शिद खेले होरी। प्याला छिड़के अपने करम का, प्याला छिड़के अपने करम का, रंग दे सब संसार, मेरा मुर्शिद खेले होरी। याद है तुझे, जब मैं रिश्ता लेके आई थी तो तू तो जानती हूँ बहुत नचड़ी हुई थी। मैं तो कह रही थी कि मुझे किसी नाई से शादी नहीं करनी है, लेकिन अब देखो लेखक जा रहे हैं मुझे बिलाए। खाला, आपके बदौलत मुझे इतने अच्छे शौहर मिले हैं, अब बाकी सबके लिए भी मेरे शौहर की तरह कोई लेकर आएगा। अरे वाह, पलकों पर बिठा रखा है तुम्हें। भाई वो कम 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 पड़ गए थे भाई, तो सलीम भाई ने बोला था कि वो। तो फिर दो क्यों? जी भाई, दो तुम हकला क्यों रहे हो, हकलाते हो? बिल्कुल नहीं। ठीक है, जस्ट जी भाई, जी भाई। मेरी आदत उसकी चाहत एक इबादत, उसकी रंगत मेरी आदत है, उसकी चाहत एक इबादत है, उसके होने से सब सलामत है, उसकी नजरों से सबकी बरकत है, सबकी बरकत। नाचे जिसके हाथ है, जिसके डोरी, मेरा मुर्शिद खेले होरी।
मैं बोल रही हूँ उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब इट्स मैश्ड टू बिट्स, हू इज गोना पे फॉर ऑल ऑफ दिस? मैम चेकिंग तो करना ही पड़ेगा। चेकिंग क्या चेकिंग करनी पड़ेगी? क्या मिल गया आपको इसके अंदर? उसको भी तोड़ दीजिए, ये लीजिए, उसको भी तोड़ दीजिए। खुश, उसको भी तोड़ दीजिए। ए छोड़ने सब चेकिंग वेकिंग, हमले के लिए तो नजरें काफी हैं। बम थोड़ी ना ले जाएंगे जी। आइए, खुशामदीद। You have one unheard message. Hey, tried calling you before. Happy anniversary. I'll call you back. Bye. संसार मेरा प्यारा छिड़के अपने गरम का, प्यारा छिड़के अपने गरम का, रंग दे सब संसारा हो। इश्क का रंग है नारा, इश्क का रंग है नारा, इश्क का रंग है नारा, इश्क का रंग है नारा। कौन है तू? सजा गुनाह किया तो आऊंगा ही। चौबीस रूम एक्सटेंड, आप जरा चेक करें क्योंकि आपकी भट्टी से आपका प्रोग्राम एक्सटेंड हुआ होगा। सो सॉरी मैम। इसमें मेरी क्या गलती है? आप चेक करें जरा। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। जोया क्या हो? जोया तुम रो क्यों रही हो? जोया व्हाट्स द मैटर? मोइन, I'm sorry. Zoya, what's the matter? Tell me. Zoya, please, Zoya, मुझे बताओ क्या हुआ है? Zoya, I love you, Zoya. I swear, हम सब ठीक कर देंगे. तो please come back. हम नहीं. हम कुछ ठीक नहीं होगा. Zoya, हम सब sort out कर देंगे. Please, तुम रो मत, Zoya. Zoya, Zoya, तुम please पर चल दिया बाबा. Boy. I'm sorry. Hello, Mr. Patti. ब्लास्ट की जिम्मेदारी हर बार की तरह वहां की सरकार पाकिस्तान पर थोप रही है। इस्लामाबाद में जारी प्रेस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने इस बात को झूठ करार दिया है और कर
कड़े लफ्जों में इसे नकारा है। पाकिस्तान सरकार के बार बार दोहराने के बावजूद हिंदुस्तान ये बात मानने को तैयार नहीं है कि उनका गुनहगार पाकिस्तान में नहीं है। इस्लामाबाद ने हिंदुस्तान के लगाए सर, बलेश्विनी सर, प्लान वही है ना? रेडियो तुम भी सुन रहे हो, वापस लाहौर से INS रणविजय स्टैंड पे है। ओके सर। वो जो अंदर दिख रही है छोटी छोटी दुकान है, उसके अंदर तुमको दो कार्ड देंगे। लंदन के लिए कोई पैसेंजर सर, प्लीज मेरे साथ आइए। इसको पास आप साथ नहीं आ रहे? मैं इसके आगे जा नहीं सकता। कबीर अबू, अल्लाह हाफिज। आइसलैंड में फटे आतिशफिशान ने हर जगह वोल्केनिक ऐश फैला दी है। इस वजह से यूरोप जाने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। जानकारी के लिए लंदन क्या कह रही है? मैम सारी यूरोप की फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, इन्फॉर्मेशन इंडिकेटर पर है। अस्सलाम वालेकुम नूर साहब, नफीसा बोल रही हूँ जी। कबीर के अब्बू के क्या आग? चलिए चलो चलो। एक मिनट मैडम, एक मिनट, यहाँ आइए। सर मुझे सब घर जाना है, मुझे बहुत जरूरी है, मुझे सब घर जाना है। देखिए घर तो सबने जाना है, फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, सब परेशान है, आप वहाँ बैठिए। अब समझ नहीं रहे, मेरे घर में आग लगी, इनके अब्बू के फोन नहीं लग रहा, मुझे घर जाना है, इस वक्त बहुत जरूरी है। आप कहाँ रहती? बस होटल मैं तो साहब पहुंच रहा हूं। पड़ोसी बता रहे थे कि सब घर वाले लंदन गए हैं, लेकिन यहाँ पे तीन लाशें बरामद हुई है, शौहर बीवी और बच्चे की। तीन? बीवी और बच्चे? अम्मी अब्बू को क्या हुआ? ज्वाइन करो। हेलो मैं परवेज बोल रहा हूँ, ये ISI के डेस्क पर कौन है? आपके शौहर ने दुकान क्यों बेची? अम्मी सुना भी बाकी था, कुछ दिन बाद होने वाला था। अम्मी आप उनके बारे में हमें कुछ बता क्यों नहीं रहे?
ठीक तो है ना दूध? उन्होंने दुकान बेच दी है अम्मी। और जिस मोबाइल नंबर पर आप फोन करने की कोशिश कर रही थी वो देखो ना क्या है? ये देखो। तो साहब बेटा ये पेंसिल आपको कहाँ से मिली? किसने दी आपको ये पेंसिल? ये तो मेरे अपने ने मुझे दी थी, वापस दी मुझे। हेलो जोर से बोलो, तुझे पे अटैक होने वाला है। अरे शोर परेशान हो गई हूँ मैं। सर बड़ा मसला है, बात कीजिए। आप बस गोल्डमैन को रोकिए, अटैक होने वाला है। उसे एक लम्हे में मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया। मेरे 9 साल का सपना, हम सब की जाने और इस कहानी को खत्म करने का शायद वो आखिरी मौका भी। सुनाई देती रही हैं और ऐसा जान पड़ता है कि जो बॉलरूम में जो धमाका हुआ था उसके जिम्मेदार दहशतगर्द इस बेसमेंट के अंदर छुपे हुए थे। ये प्रेशर डॉक्टर, दूसरों का ख्याल करो। माजा ना हुआ है सलीम पठान, समझ रहे हो? हमारा नाम है खराब हो सकता है। वो गए, नाम गया। कराची बंद करवाओ। अरे जनाब क्या करते हैं आप, इतने खटमल कर रखे हैं आपने बिस्तरों पे। आप चलिए साफ करिए, हमारा बहुत हो गया। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नियाज अहमद है। उनके बारे में कुछ पता चला?
आप उनके बारे में हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? वो जिंदा है। बच्चे से कहें कुछ खा ले, भूख लगी होगी उसे। आपके शोहर नाई है, छोटी सी दुकान है, इतने पैसे कहां से आए कि लंदन जाओ? जी खुदा की नेमत है। 17,421। ये आपके शोहर के अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट है, उनके खाते में सिर्फ 17,421 रुपए हैं, बस इतनी नेमत है। टिकट खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? और भी पैसे जोड़े थे, और आप मेरे शोहर से बात कर लीजिए ना, उनका नंबर 0345306179 बंद है। एयरपोर्ट पे आपको रुख्सत करने के बाद से स्विच ऑफ कर दिया गया है, या शायद सिम कार्ड निकाल के जला दिया गया है। धमाके की असली वजह अभी तक तय नहीं। इस हमले में 4 हिंदुस्तानी शामिल हैं, 4 हिंदुस्तानी ऑफिसर्स, 4 हिंदुस्तानी दहशतगर्द। समझा करो, कोई आ रहा है दूर से। पहली गोली किसने चलाई पता नहीं, लेकिन आखिरी गोली आपके शौहर वली खान ने खाई है। इतना पक्का है, और वो अब भी फरार है। आपके जाने से बात बनेगी नहीं मोहतरमा, बल्कि और बिगड़ जाएगी। बैठ जाइए। आपसे जरूर कोई गलती हुई है मेरे शोहर के बारे में, उनकी मुतालिक आप किसी से भी पूछ सकते हैं। नेक इंसान है वो ऐसा कर ही नहीं सकते। नमाजी है, कबीर से प्यार करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं। वो कहीं हिंदुस्तानी नहीं है। मैं की दुकान चलाते हैं सालों से। अब क्या कहेंगे अपने ऑपरेशन के बारे में? आई डोंट बिलीव दिस। रॉ के चीफ के पास कोई जवाब नहीं। मिश्रा, यू टेल मी, कितने एजेंट थे? आईएसआई के हिसाब से 4 थे। एक्सक्यूज मी। अश्विनी, जल्दी से प्रेस ब्रीफ बनाओ। और उससे पहले मुझे तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर चाहिए। सर, वो लोग पाकिस्तान में पकड़े गए तो हम लोग बहुत एम्बेरस होंगे। आई कैन हैंडल दिस। सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी मैडम। पाकिस्तान के होटल ब्लास्ट में इंडियन गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है। हम खुद टेररिस्ट के टारगेट रहे हैं, और फॉरेन सॉइल में हम ऐसी कोई भी एक्टिविटी एनकरेज नहीं करते। पाकिस्तान अथॉरिटीज को इस प्रोब में कोई भी मदद देने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। एक ऐसा शख्स पाया गया है जो हो सकता है कि इस खौफनाक धमाके का जिम्मेदार। पुलिस ने अभी तक हमें कुछ पल्ला झाड़ दिया इस बारे में नहीं। कोशिश वक्त और सबको बोल, उन सबके बारे में पता लगा, उन चारों के बारे में सारा इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, और 10 मिनट में जिसको भी मारना है मार। आई टेक योर क्वेश्चंस नाउ। सर, ऑफ द रिकॉर्ड, आपने उसे टारगेट करने के लिए ये ऑपरेशन किया, राइट? उसे? किसे? सब। ओ अच्छा, उसे। लेकिन उनके अकॉर्डिंग तो वो वहाँ है ही नहीं, और अब तक जो जहाँ है ही नहीं, उसे वहाँ अटैक करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है ही नहीं। वे अगर पकड़े जाते हैं और ये प्रूव हो जाता है कि वो इंडियन है, फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर ये मान भी लिया जाए कि इसमें रॉ की इन्वॉल्वमेंट थी, तो पाकिस्तान कहेगा क्या? एज सीनियर ऑफिसर ऑफ रॉ सेट, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के हिसाब से वहाँ पे था ही नहीं, उस पर अटैक कैसे किया जा सकता है? कैमरामैन, कोई ऑफिशियल पोजीशन हो ही नहीं सकती जब तक हम अपने इस खास मेहमान को इस इशू से हटा नहीं देते। सलीम, जर्नल का फोन लाओ। धमाके की तफ्तीश अब तक जारी है, वही पुलिस को एक बहुत ही अहम सुराग का पता चला।
अश्विनी हेयर। एक मिनट सर प्लीज। सर ये होटल बैतुल ज़हाब के बारे में इन लोगों को पहले से कैसे पता चला? तुम्हें में से किसी ने कोई ट्रेल छोड़ी होगी। दीपांकर घोष को कांटेक्ट करो वाली, वो निकालेगा तुम लोगों को वहां से। वो लोग तुम तक पहुंच ही रहे होंगे। हेलो हेलो सर, हेलो। ये लड़की पिछले काफी दिनों से होटल में ही है। असलम सलीम भाई की देन है। तीसरा है वली खान, यहीं का है। इसकी डिटेल्स इसकी बीवी की इंटरोगेशन के दौरान मिली। इसकी बीवी और बच्चा दोनों लंदन जा रहे थे। पर इनमें से वो चौथा कहाँ है जिसने मेरे सर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? नेपी रोड। बेशक होगी जनरल, लंडी खाने में। वो जरूर कोई फौजी था। उसकी आंखों से लग रहा था कि हे सलीम सिगरेट डाल। पर भाई तुम ही छोड़ ली। माइती है छोड़ ली, टेंशन है छोड़ ली छोड़ ली। सुनिए जी वो मिलने आए हैं। कौन? देखिए निकाह पोस्टपोन करते हैं, हर न्यूज में आपसे नाम जुड़ रहा है हमारा, और हमारा इंडिया भी बहुत आना जाना होता है। आप इत्मीनान रखिए इलियास साहब, कुछ नहीं होगा। अरे क्या कुछ नहीं होगा भाई, कुछ दिन चुप बैठने में क्या हर्ज है? साल भर के बाद देखते हैं ना। वैसे भी लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं आपके बारे में, आपके बेटे के बारे में। मेरे बेटे के? नहीं तो क्या? मेरे बेटे के? हाँ आप ही का बेटा। उठ हरामखोर जी, उठ खबीज की औलाद, उठ सारा अहमक। सामान छोड़ो, सुन साले, अपने टाइम का क्रिकेटर था ना तू, दो विकेट क्या गिर गया, फट गई सारा। मैं फास्ट क्रिकेट खेलता हूँ, चौका छक्का मारता हूँ, टुकुर टुकुर नहीं खेलता। निकाह कल के लिए तय किया गया था, कल ही होगा। सारा बेटे के खिलाफ बोलता है। सलीम मुझे वो हर आदमी चाहिए जो इस हमले में शामिल था। वो कहाँ पर? चुप चुप, जिंदा लाने की जरूरत नहीं, मुर्दे भी चलेंगे। सब पीछे पड़ गए हैं, कंपनी वाले भी और पुलिस वाले भी। बड़ी भाई अभी अभी भी यहां से बाहर चलते हैं, डॉक्स डॉक्स के रास्ते से निकल जाएंगे। जंगबाजी में कोई फैसला नहीं कर सकते, आप सिर्फ दुश्मन हैं उनके, मैं गद्दार हूं उनके लिए। पता नहीं कैसे मारने वाले मेरे को। घोष के बारे में बोला है ना, घोष निकालेगा हमको यहां से। किस खुशी में? अरे टीवी नहीं देखा क्या आपने? बोल तो दिया उन लोगों ने कि हमसे कोई लेना देना नहीं है। अब क्या पोस्टर छपाएंगे क्या वो लोग? जो कुछ करना है हमको खुद को करना है। क्या करना है असलम? हाँ क्या करना है, कर तो चुके हैं ना। क्या कर दिया? हाँ क्या कर चुके? सामने खड़ा था मेरे, ठोकने वाला था कि उसको मार देने से हमें कुछ हासिल नहीं होना था। मैं 10 साल से इस मुल्क के अंदर जासूस बन के इसलिए नहीं बैठा हूं कि वो दिखे मैं उसको मार दूं और वो शहीद हो जाए। मेरा ख्वाब था कि इस मुल्क से उसको जिंदा खींच के लेके जाऊं और हिंदुस्तान के लोगों के हवाले करूं, और यही मिशन था। तो आप अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए इस मिशन के साथ जुड़े हो। मैं तो यहां से जा रहा हूं। मेरी मानिए 72 घंटे तक कहीं छुपे रहिए, उसके बाद जैसा मौका मिले इस शहर से निकल जाना, वो कभी भी आ सकता। असलम असलम पिछली बार रूम से बाहर गए थे तो पंखा चालू रख के गए थे, अगली बार 100 एक्स्ट्रा लूंगा। अच्छा आप ले लेना, कोई बात नहीं, चलो। पता नहीं था तुम सब साथ में हो। कॉन्टैक्ट हो चुका है, वो 2 घंटे में एम्प्रेस मार्केट पहुंच रहे हैं। मैं अपनी टीम भेज रहा हूँ। बॉडीज के साथ क्या करना है तुम्हें पता है? लेकिन मिश्रा आर यू श्योर उन्हें मारना ही इसका सोल्यूशन है? रिकॉर्ड के लिए फोटोग्राफ भेज देना। समझ गया मिश्रा। Are you on the line? वो लोग आ गए? अभी आए हैं। ड्रॉप पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। चारों? नहीं, दो हैं। एक लेडीज और एक जेंट्स। ओह शिट, जरूर अलग हो गए होंगे। ऑपरेट मत करना, नजर रखना। यस सर।
सकीना ब्यूटी पार्लर में इसे देखा है? नहीं देखा है। इसे देखा है? आगे खबरों में, कराची से लंदन जाने वाली सारी फ्लाइट्स अब भी तर्क हैं। आइसलैंड में फटे आतिशबाजी से लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट लगभग बंद हो चुका है। कराची एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स में भारी भगदड़ मच गई है और सुबह से सैकड़ों पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। महसूल है कि आगे कई दिनों तक हालात के सुधरने की उम्मीद है। लंदन के कोई पैसेंजर सर? हाँ। कभी बैठी हो हवाई जहाज में? तुम कौन सा उस हवाई जहाज में बैठ के उसको चलाने वाली हो? बेवकूफ, सारे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटते हैं हम लंदन जा रहे हैं। कुछ दिनों की तो बात है, तुम साथ में क्यों नहीं जा सकते? बली, क्या हुआ? चलो वाली, तुम जाओ, मैं नहीं जा सकता। क्या? अब समझ में आ रहा है ऑपरेशन फिर क्यों हुआ है। मुझे लंदन फोन करना। कहाँ जा रही तू? मुझे लंदन फोन करना है। अरे सुनो, वो वापस जा रहे हैं। नफीसा और कबीर फंस गए शायद। मुझे लंदन फोन करना है। मुझे फोन करना है। वाली बात सुनो, अगर वो यही है तो उनके लिए बेहतर तो यही होगा कि तुम अब उनसे ना मिलो। वाली रोशन भेजा है, तुम्हें हमारे साथ आना होगा। मुझे एक फोन करने दीजिए आप, फिर मैं चलता हूँ। एक फोन। फोन बाद में। ए, रुको! मार दो उन्हें। Just kill them, इसी वक्त। हमने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया। चलो यहाँ से, क्या कर रहे हो? चलो। जाने कैसे टूटे रिश्तों से बिखरे हैं ये पल, मानो
दोनों जैसे गम की पलकों से चलते हैं ये पल क्यों अधूरी ये कहानी क्यों अधूरा ये फसाना क्यों लकीरों में इसके अलविदा दे जो क्यों वही प्यार हो क्यों ना मिट के जो फना हो वो भी प्यार हो ना अधूरी ये कहानी ना अधूरा ये फसाना मिट भी जाओ ना मिटे ये कैसी प्यास है भाईजान वो रुद्र भाई ने बोला था आपसे मिलने के लिए वो कहा था कि इंडिया के लिए वो कहां से मिलेगी भाईजान खुदा के घर देर है अंधेर नहीं क्यों असलम लेफ्ट ले असलम राइट ले दिल्ली दिल में तो हंसता होगा ना तू हम पे हंसता होगा ना पता दे भाई कहाँ है तीनों पूरी रात नहीं है तेरे पास
दीपंकर जोया रुद्र का नहीं पता नहीं पता हो गया अम्मी गर्म भांजा छोड़ उसको बचपन से बुरी आदत है तेरी तेरा कचरा अब इनको और इनके डिपार्टमेंट को साफ करना पड़ेगा अगर इतना ही जोश था तो साला पूरा काम करना चाहिए था काट डालना था गला उस फौजी का जिसने तेरे मामू के कनपट्टी पे यहाँ 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 बंदूक रख दिया था मांग माफी अब एम्प्रेस मार्केट के बाद बात इतनी बढ़ चुकी है कि माफी मांग रहे हैं ना वो सॉरी चीफ से अपॉइंटमेंट ले लो बॉलीवुड बहुत हो गया इनका वो वली खान के बीवी और बच्चे का असलम के बारे में जानते थे उसकी हालत खराब है उसका ख्याल रखना और सुबह तक तुम लोग भी यहाँ से निकल जाना ठीक है रुद्र पता चल गया कि तुम्हारा मिशन फेल क्यों हुआ था इस
बम धमाके में एक 5 साल का बच्चा कबीर जिंदा मिला है। हमले में उसकी माँ शहीद हो गई। झूठ बोल रहे। और अब कई एजेंसी उसके वालिद या किसी और रिश्तेदार की तलाश में है। अगर आप में से किसी को भी कुछ भी मालूम हो तो हमारे स्क्रीन पर नीचे दिए जा रहे नंबर पर फौरन इत्तला करें। किस तरह मारा होगा उसे? अश्विनी सो जाओ, बहुत देर हो गई है। हाँ बहुत। बच्चे का स्वेटर बीस दिन और सब सही से गलत हो गया। अगर वो चला गया तो सबका कोई फायदा नहीं रह जाता जो हमने खोया है। क्या नाम था उसका? एक घड़ी और ठहर के जा, बाकी है। पूछा नहीं। तेरे लब पे मेरे होने का निशा बाकी है। रुद्र, वली को रोकना पड़ेगा। जा रहे हो तुम? इतने खुदगर्ज नहीं हो सकते वली। हम सब ने कुर्बानियां दी हैं। मैं भी किसी का दुख समझने की हालत में नहीं हूं। मैं जा रहा हूं वली। वैसे ही मिशन फेल हो चुका है। हिंदुस्तान ने हमसे ऐसे नाता काट लिया जैसे कि हम हराम की औलाद थे। पाकिस्तान में आप जिंदा नहीं रह सकते। सब कुछ खत्म हो गया है। मेरा बच्चा वहां पर है, मुझे उससे मिलना है। कैसे मिलोगे? पता कहाँ वो? जानते भी हो क्या हालत करेंगे तुम्हारी अगर पकड़ गए तो। कोई फर्क नहीं पड़ता। नफीसा को उन्होंने मार दिया, मुझे तो अब उससे माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा। मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे उसकी सूरत देखनी। मैंने उसको स्वेटर लाया था, पता नहीं मिल नहीं। नफीसा को मार सकते हैं तो झूठ भी कह सकते हैं कि कबीर जिंदा है। उनकी मौत को जाया मत करो। देखो वली, ये मिशन तो शुरू किया हमने, खत्म करना चाहते हो तो सोच लो। मेहमान नवाजी काफी हो चुकी है। अबोटाबाद का ताना अब तक अमेरिका दे रहा है। इस जोकर को दावत में घूमते फिरते देखेंगे तो सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, सारी दुनिया हम पर हंसेगी। नाउ इज द टाइम टू क्लीन अप। हमें इस स्ट्रेटजी को हमेशा के लिए रिजेक्ट कर देना चाहिए कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। दीमक दीमक होती है और कुछ नहीं।
कल वहां लगी थी और आज यहां लगी है। और ये पेस्ट कंट्रोल का काम होगा कैसे? सिंध में एक आईएसआई सेफ हाउस में ले जाने की बात हो चुकी है उसे निकाह के बाद। तो निकाह के बाद en route to the safe house. ये घर है उसका, हम लोग यहाँ पर हैं और हमको वहाँ तक पहुँचना है। अंदर निकाह चल रहा है और इस गाड़ी में हम तीन होंगे। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, जोया यहाँ है और रुद्र पीछे है। मेरे ख्याल से जोया को गाड़ी चलानी चाहिए। एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट वो है, उसे चौथे कॉर्डन तक पहुँचना है और तुम पैसेंजर सीट में गुलदस्ता लेके बैठ जाओ, मैं पीछे छुप जाऊँगा। वहाँ से आसानी से हम कवर फायर दे पाएंगे। ठीक है, असलम पीछे वाली गाड़ी में है और डिस्टेंस थोड़ा सा सेफ रखना। असलम, गाड़ी में जितने एलपीजी सिलेंडर भर सकते हो भर लेना और मैं सिमटेक्स भी रिक कर दूंगी। मेहमानों में से एक भी नहीं बचना चाहिए। ये गाड़ी जैसे ही बढ़ेगी आगे, ये गार्ड आगे आएंगे, मैं उतर के इन पे अटैक करूंगा। रुद्र इन गार्ड पे अटैक करेगा, यहाँ भगदड़ मचेगी, इसका फायदा उठा के जोया सेकंड कॉर्डन क्रॉस करेगी। अगर वहाँ दूसरे कॉर्डन पे मुझे गोली लग गई तो? जोया, अगर तुम्हें गोली लग गई तो ये मिशन वहीं पर खत्म हो जाएगा। इसीलिए एक डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए मैं इस तरफ से तुम्हें कवर फायर दूंगा, वाली इस तरफ से। जो भी हो जाए, तुम्हें गाड़ी को तीसरे कॉर्डन तक पहुँचाना है। और तुम जब यहाँ पहुँचोगी तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके होंगे। अब हमें सिर्फ इन लोगों को टैकल करना है, लेकिन हम फायर लाइन में होंगे तो हो सकता है मुझे यहाँ गोली लग जाए। इसके बाद रुद्र भी शायद नहीं बच पाएगा। जोया, जैसे तुमने तीसरा कॉर्डन क्रॉस किया, अपना पैर रैचेट के साथ एक्सेलरेटर पे बांध देना ताकि हट ना पाए। स्टीयरिंग व्हील को भी रैचेट कर दो ताकि हिले नहीं। और उसके बाद मैं डेड मैन स्विच इस्तेमाल करूंगी। तीसरे कॉर्डन को क्रॉस करने के बाद मैं पिन निकाल लूंगी। अगर मुझे गोली लगती है तो यहाँ चौथे कॉर्डन तक आके 5 सेकंड बाद धमाका हो जाएगा। और धमाका होते असलम तुम अपनी गाड़ी लेके कि सीधा घर के अंदर घुस जाओगे और फिर बूम, कराची में दिवाली। हमें सेफ हाउस के लिए निकल जाना चाहिए। मैं भांजे को ही बोल दूंगा। हाँ भांजे को दे। अरे अरे ओ भांजे, ओ भांजे, चलो बैठो गाड़ी में आके। खुदा हाफिज। आराम से मिस कॉल देखा, इसलिए तेरे को फोन कर रहा हूं ना। सेफ हाउस नहीं पहुंचेगा वो,
रास्ते में हम ही उड़ाने वाले हैं उसको। अरे इस्लामाबाद से ऑर्डर है, तेरा मामू सुन नहीं रहा है किसी की, इसलिए हम ही खत्म कर रहे हैं उसे। मैं कुछ नहीं कर सकता अभी, मैं मामू जान के साथ ही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तू बात नहीं समझ रहा है, तो सलीम को बोलना कुछ वो करे। सलीम का फोन ऑफ है। तो अभी खाली हो गया वो, तेरे को नंबर भेज रहा हूँ ना, नंबर भेज रहा हूँ मैं तेरे को। खुदा हाफिज। कुछ नहीं होगा। वैसे स्टैंडर्ड आपके सेफ हाउसेस का गिरता जा रहा है। नहीं भांजे, रहने दे, सिर्फ गाड़ी ही नहीं सारा मुल्क इन कमीनों का है। शुक्र है बेटे के निकाह होने तक का इंतजार तो किया आपने। क्या करता है, आखिर पुरानी दोस्ती का कुछ तो ख्याल करना था ना। हाँ शुक्रिया, वैसे ऐसे आसान तरीके से मेरा खात्मा होना था, कोई धमाका नहीं कोई। क्या जर्नल भाई, आप तो बम्बैया जैसे निकले, मामूली इनकाउंटर में मेरा खैर जो भी करना जल्दी करो जर्नल, क्योंकि अगर मैं अपने भांजे को जानता हूं तो इसने जरूर मैसेज किया होगा हमारे लोगों को और यहां बुलाया होगा, फिर तो तुम लोग क्या रहा है जनरल, मार इसको गोली। असलम, असलम फायर करो। अरे मार। असलम क्या कर रहे हो, रुद्र के पास गोलियां नहीं है। असलम क्या सोच, असलम सिर्फ गन से गेंद सेटल नहीं होगा।
भी काट है सर, और वो भी जिंदा, ये हमारे बीच में बैठा है। कहाँ हो तुम लोग? हम लोग कराची से एक घंटा बाहर है सर, सिंध की तरफ है। रन ऑफ कच्छ की तरफ बढ़ो। सर रन ऑफ कच्छ से निकलना नामुमकिन है। पता है, इसलिए शक नहीं होगा। वहाँ के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। दो घंटे में कोऑर्डिनेट्स बता दूंगा। ये कहाँ जा रहे हैं हम? मेरे हिसाब से तो बॉर्डर के आसपास है, somewhere in सिंध। गाड़ी रोको। रोक के देखते हैं। सिंध का नाम तो तुम लोगों ने जनगण मन में ही सुना होगा। हवा भी है कि तुम कहां जा रही हो या कहां जाना मैडम? ए, अपना मुंह बंद रख। एक बात बताओ, कैप्टन कौन है तुम दोनों में, ये या तुम? क्या ये तो फौजी है, अकल से ज्यादा हाथ पैर चलाता है। तुम समझदार लगते हो, बात करते हैं चलो। वो एक फोन करना था। क्यों? दो बार उठाया ना तुमको, अब में से कोई सौदा करने वाला दिखता है? अरे बिकते तो सभी हैं, कुछ पैसों से तो कुछ जज्बात से। अब तुम ही ले लो, दो सेकंड में पार्टी बदल लोगे अगर मैं कह दूं कि मैं तुम्हारी फैमिली से बात कर पाता हूँ। ए, तेरे को बोला ना अपना मुंह बंद रख। बले, बले तो क्या कर रहे हैं? एक मिनट, अगर ये बात झूठ है, खुदा की कसम मैं यहाँ पे गोली मारूंगा। बले तू इसके बातों में मत आया, झूठ बोल रहा है ये। इसको बोलना चुप रहो, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या करेगा? ठोक दूंगा। मैं चाबे खबीस की औलाद ठोकेगा मुझे? तुम लोगों को मैं जिंदा चाहिए। इसका क्या है, मेडल लेके छावनी चला जाएगा, लेकिन तुम कहाँ जाओगे? जी पाओगे? बीवी बच्चे की कुर्बानी देकर जी पाओगे? सोचो वली भाई, सोचो। भैया झूठ बोल रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम समझते हो मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हारी फैमिली लंदन जा रही थी ना, मुझे कैसे पता? वली, मुझे पता है वली खान। एक काम करो, मेरी तुम खुद फोन करो सलीम को, तुम खुद करो वली। और कहो सलीम पठान से कि भाई मेरे साथ है और तुम्हारी बीवी से बात कर रहा है। मेरी बीवी जिंदा है? मैं जो कह रहा हूँ मेरा यकीन करो। एक मिनट, डायल करो नंबर। भैया झूठ बोल रहा हूँ, मर चुका है। एक मिनट, इनकी बात छोड़ो, तुम डायल तो करो 92319। मेरी बात मानो, लगाओ नंबर 92319815000। तुम खुद अपने हाथ से। नहीं, अरे ए ए फौजी, फोन दे, फोन दे, फोन वापस कर। फोन दे, एक रुद्र फोन दे दे। ये भाई तू उसके बाद में क्या रहा, झूठ बोल रहा है वो। फोन दे, ये झूठ बोल रहा है। मैं भैया झूठ बोल रहा हूँ, मर चुका है। गोली मार दे, तुझे पता चला? गोली मार, मुझे बात करने दे रुद्र, एक मिनट बात। वली खान फोन लो, मुझे बात करने दे। फोन चला, गोली मार वाले, मुझे बात करने दे। तुम अपनी बीवी से बात करो। गोली मार वाले, बचेगा कि मरेगा? खून बहुत बह गया, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ताली का दिमाग खराब हो गया, उसे खुद नहीं पता वो कौन सी साइड है, हमारी या उसकी। बॉर्डर यहाँ से कितना दूर है? 3 घंटे। गुलमिल उसे नचा रहा है और वो नाच रहा है, उसका तो दिमाग खराब। पहले गोली नीचे मारी थी, अब कैसे ऊपर मारूंगा? बचेगा नहीं है। आखिरी बार कह रहा हूं, अंदर बोलो उनको कि अश्विनी आया है। सर वो BSF चीफ है, इतनी देर रात को मैं उन्हें नहीं जगा सकता, कोई भी इमरजेंसी हो।
ड्राइवर, अगर 10 सेकंड में तुमने अंदर फोन नहीं किए तो जो इमरजेंसी होगी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाओगे। प्लीज फोन नहीं करोगे भाई? मैं बताऊंगा फोन कब करना है। खामा का बेगानी शादी में दीवाने बने हो, उधर इंडियन गवर्नमेंट कहती कि तुम उनके नहीं हो और यहाँ तुम अपनी जान देने पर तुले हो। ठीक है, तुम्हें शहीद बनने का शौक है लेकिन इसमें तुम्हारे बेटे का क्या कसूर है? देखो मैं जानता हूं कि बेटे का प्यार क्या होता है। बचपन में मेरा बेटा मुझसे एक मिनट भी दूर नहीं रहता था, लेकिन जब उसकी उम्र हो गई अखबार पढ़ने की तब उसको पता चला कि उसका अब्बू क्या करता है। फिर उसके बाद हमेशा उसकी आंखों में एक ही सवाल था, क्यों क्यों? तुम्हें भी उसी नजर से देखा जाएगा, तुम पे भी वही ठप्पा लगेगा जो मुझ पे लगा। तुम में और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन बच्चों के बीच रत्ती भर का नहीं। सोचो। उनको बोलो 2 घंटे के अंदर अंदर मेरी कबीर से बात करें। सही कर रहे हो तुम बड़े भाई। नंबर है 9231981500। 9231981500। बॉर्डर क्रॉस करवाना है? 00। पागल हो गए अश्वनी, ये तुम और मैं डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? Why not? गांधी जी का नाम लेके गवर्नमेंट दूसरा काल आगे करते हैं और थप्पड़ तो हम जैसे लोग खाते हैं। चवेरी बाजार, जर्मन बेकरी, पार्लियामेंट हाउस, बैंगलोर, हैदराबाद, दिस गोस ऑन एंड ऑन। We have to stop it. Surabjit, मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूं, सबको सब कुछ पता है, बस कोई कुछ नहीं कर रहा। एक ऑपरेशन, सिर्फ ऐसा एक ऑपरेशन हो जाए तो हिम्मत नहीं होगी किसी की। असली दुश्मन वो नहीं जो बॉम्ब छोड़ जाते हैं, हाथ तो उनका काटना चाहिए जो उन्हें बॉम्ब्स और गन देते हैं। यू नो वेरी वेल ही इज द गाय। मुझसे क्या चाहते हो? कबीर, कबीर के बारे में सोच रहे थे ना अली? वाली, अश्विनी है, बीएसएफ से बात हो गई है। यस सर, जी सर। सिर्फ 15 मिनट का विंडो है। समझ गया सर। सुबह होते ही 6 बजे के पहले सेक्शन पोस्ट 35 पे, आउटपोस्ट 35 सर। जी सर, समझ गया सर। मुझसे वहां ले आओ। यस सर। अश्विनी सर का फोन था, सुबह 6 बजे हमको पहुंचना है, यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर है। आउटपोस्ट पे जवानों की शिफ्ट बदलेगी तब हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे। घंटा आप कहीं नहीं जाने वाला, मैं मरना है तो यही मरूंगा, उनके हाथों नहीं मरने वाला। सर की बात हो चुकी है, आउटपोस्ट 35 से हम निकल जाएंगे, इसको पाकिस्तान के हवाले करके हम लोग निकल जाएंगे। अरे पागल मत बन वाली, आउटपोस्ट 35 में बात हो चुकी होगी, लेकिन क्या तू जानता है कि वहां से 5 किलोमीटर दूर सेक्शन 40 है जहां उनके 2 बड़े यूनिट हैं? तुझे क्या लगता है कि वो लोग इसके लिए नफीसा और कबीर को छोड़ देंगे? अरे वो तो खुद इसको मारने वाले थे, हमने बचाया इसे। अरे 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। देख वाली। अबू! कबीर, कबीर ओ मेरी जान।
मेरा बेटा, मामा, अम्मी कहाँ है बेटा? अम्मी दूसरे कमरे में है अब्बू, ऑफिसर अंकल से बात कर रही हैं। आप आ रहे हैं ना हमें लेने? हाँ बेटा, लेने आएंगे आपको। बाइक पे आ रहे हैं ना? हाँ बेटा, बाइक पे लेने आएंगे आपको, बहुत एक सफेद बाइक पे लेने आएंगे, लंबी सी बाइक है, उस पे तीन सीट्स हैं, उस पे हम लंबी से शहर पे जाएंगे। अच्छा वहाँ देखो अंकल खड़े हैं क्या पास में? हाँ अंकल खड़े हैं। एक काम करो, देखो हम उनसे बाइक की बात करते हैं, आप उनसे बात कराओ हमारी। नफीसा और कबीर को सेक्शन पोस्ट 40 पे लेकर आइए आप। आपको आपका आदमी वहां मिल जाएगा सुबह 6 बजे के पहले। वफादारी या दुकानदारी, फैसला कर लो सलीम। वफादारी बहुत कर ली। दौड़ा दो गोल्डमैन को। तू जानता है क्या होने वाला है, फिर भी ये करना चाहता है। काम को खत्म करने का ये एक तरीका है। तूने कहा था ना मैंने सब शुरू किया है, खत्म भी मैं करूंगा। भागो! वली कहां जा रहे हो? वली कहां जा रहे हो? हम सबने कुर्बानियां दी हैं। जरा हाथ खोल। जल्दी। एक मिनट, कहां जा रहे हैं आप? यहां आइए, आइए। क्या? जी। इधर? आपने पूछा था ना कि हम दोनों में से बॉस कौन है? हाजी। जिन्हें भू
हमने कर दिया जिन्हें धुआं। कबूल है। फैमिली, दोस्ती, जज्बात, हर तरह की कमजोरी थी वली खान में, पर जब वक्त आया तो उसने उन कमजोरियों को हमारी ताकत बना दी। मुझ पे गोली चलाने से चूका नहीं। फोन चलो गोली मार। फोन पे बेटे की आवाज सुन के रुका नहीं। आपको आपका आदमी वहां मिल जाएगा। दक्षिण पोस्ट 40 पे लेकर आइए आप। क्योंकि हम सब की तीन और कमजोरियां थी, ऑनर, ड्यूटी और कंट्री। तू जानता है क्या होने वाला है, फिर भी ये करना चाहता। तूने कहा था ना ये सब मैंने शुरू किया है, खत्म भी मैं ही करूंगा। चल चल जल्दी चल। Huh?
क्या? वेलकम बैक। यही कहने के लिए सब किया? 50 लोगों से ऊपर जाया हो गए तुम्हारे इस वेलकम बैक के चक्कर में। अभी फोटो वोटो खींच लो। वो शिकारी लोग करते ना मरे हुए शेर की तरह ऐसा खड़े हुए। और क्यों नहीं, आप इंडियाज मोस्ट वांटेड को वापस लाए हो। मनाओ खुशियां जितनी मनानी है, क्योंकि एक साल बाद आपको पता चलेगा कि तिहार हो या आथर रोड, मैं वही कर रहा हूं जो मैं कर रहा था कराची में या दुबई में। अश्विनी भाई, ये मुल्क तो मेरी माँ है और मुंबई शहर मेरी माशूका। मैं तो खुद वापस आना चाहता था, बात भी की थी, लेकिन यहां की सरकार नहीं चाहती थी कि मैं वापस आऊं। अरे इसके बारे में तो आप सब जानते हैं मेरे भाई। मैंने तेरे वली खान से कहा था कि सब बिकते हैं, बस दाम पता होनी चाहिए। और यह सबक मैंने यही हिंदुस्तान मुंबई में सीखा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है, हा? कुछ नहीं होगा फौजी, कुछ नहीं होगा। ठोकने का चांस था तेरे पास, लेकिन तूने नहीं ठोका, क्योंकि देश की तरह तेरी भी प्रॉब्लम है। चांस दो, नेता हो, पुलिस हो, मैं हूं या वो चूतिया कसब जो वीटी स्टेशन पे सबको उड़ा रहा था। क्या किया उसका? 4 साल खातिरदारी की, फिर उसके बाद फांसी चढ़ा दिया। अरे सालों, क्या उखाड़ लिया तुमने? वो तो मरने को ही आया था मुंबई। मार के बड़े खुश हो रहे हो अब, हाँ? वेलकम बैक बोलते साल। हाँ, मेरे साथ भी यही सर्कस होगी। अरेस्ट करोगे, चैनल पे पैनल बुलाओगे, लोकल ट्रेन पे मेरी बातें होंगी, ब्रेकिंग न्यूज में तेल, मोबाइल, साबुन सब बिकेगा। बरखा बोलेगी, राजदीप बोलेगा, अर्नब गोस्वामी चिल्लाएगा। फिर जब वो सब साइलेंस हो जाएंगे, मैं बिग बॉस चला जाऊंगा सलमान भाई के पास। और शायद जीत भी जाऊं, आखिर भाई हूं। और मालूम है जीती हुई रकम से क्या करूंगा? वली खान जैसे चूतियों के नाम एक मकबरा बनाऊंगा और 2 लाइन शायद लिख भी दूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हम। हिंदुस्तान हमारा। कराची से बोल रहा हूं साले को मुंह बंद रखने को, लेकिन तुझसे होगा नहीं। हाँ, सच कहा तूने, गलतियां हुई हैं हमसे, अब भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती तू है। थक गए हमारे लोग, सुधार चाहिए उनको। सुधार की शुरुआत तुझसे करते हैं। अपने गुलाबी चश्मे हटा और एक बदले हुए नए इंडिया का चेहरा सबसे पहले तू देख। पंद्रह साल में बहुत लोगों को मारा है, पहली बार अच्छा लगा। आज जो कहानी खत्म कर दी हमने, इसे सुनाने वाले तो बहुत होंगे, डर तो यह है कि शायद इसे सुनने वाला कोई नहीं होगा। क्यों भूली इन्हें जमीन, क्यों भूली
जाने ये खो गए कहा, रंग ख्वाबों के जिनके खून से रंगे रास्ते नए जुनून से बने, क्यों भूली इन्हें जमीन, क्यों भूला ये आसमां, न जाने ये खो गए कहां। Thank you.